हमने आपसे कहा था कि या तो हम उस चोर को पकड़ेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, और जब चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो सर हम अपनी कही हुई बात का सम्मान करेंगे। ये सब कहते हुए हम सबको गलत लगे, लेकिन हमें कन्हैया देवर जी का फैसला पहले से ही सही नहीं लगा था। हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है कन्हैया,
हमें मालूम है कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा, इसका हमें एहसास है। पर सारी, हमें ये सब कहना पड़ रहा है, तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अरे एक बार तो सोचना था कि अगर ये शर्त हार गए तो तुम्हें भी उद्धम भैया की तरह घर पे बैठना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारी जबरदस्ती और जरूरत तुम्हें कहां ले आई। हमें माफ करना उद्धम, हम नहीं चाहते थे कि ये बात उठे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि हमें बोलना पड़ा। तुम्हें पता है कि अब क्या होने वाला है कन्हैया? तुम्हारे एक गलत फैसले से तुम्हारे भाइयों पर कितना दबाव पड़ने वाला है। अरे बस कीजिए आप, क्या थोड़ी देर के लिए ये बातें बंद करेंगे आप? क्यों नहीं, हम जानते हैं कि ये फैसला कन्हैया खुद से तो ले नहीं सकता, इसे जरूर सोना बहू ने कहा होगा। मम्मी जी, हर बात में आप सोना जी को क्यों दोषी ठहराती? अरे फैसला हमारा है और हमने फैसला आप सबके सामने लिया था, अब इसमें सोना जी बीच में कहां से आ गई? चलो बेटा, मान लिया कि यह फैसला तुम्हारा था, लेकिन सोना की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, इसने रोकना चाहिए था तुम्हें। नहीं पर इसने तो तुम्हारा साथ दिया होगा। मम्मी जी बस भी कीजिए, बिना किसी बात को जाने आप क्यों कुछ भी सोच रहती हैं? देखिए आप सोना बहू, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी चुप रहो, हमें कुछ नहीं सुनना तुम्हारा। मम्मी जी, जब आप कुछ सुनेंगी नहीं, हमें कुछ कहने नहीं देंगी, तो हम अपनी बात आपको कैसे समझा पाएंगे? मम्मी जी ये सच नहीं है कि हमने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने हर तरह से इन्हें रोकने की कोशिश की। सोना बहू तुम बस भी कीजिए आप। ना आपकी बात सही है ना मम्मी जी आपकी बात सही है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हमारी हार, हमारी पराजय है। बहुत कृपा होगी आप लोगों की अगर थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। हमारे बेटे के साथ जो भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सब कुछ बचा के रखा, वरना भूखे ही मर जाते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि किचन में तो सब कुछ था, फिर चोर प्रसाद ही चोरी करके क्यों ले गए? खैर अब पता नहीं कब खाना मिलेगा। चीची हम तो ना हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और हमारे पास तो बैकअप प्लान भी होता है। हमारा प्लान तो कितनी अच्छी तरह वर्क किया ना, थैंक्स टू द थीफ, बिकॉज ऑफ थीफ ना हमारा प्लान ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पर रेनु एक बात तो है, अब हम पे ना दबाव ज्यादा पड़ गया। देखो कन्हैया और उद्धम की नौकरी तो रही नहीं, अब उनको और उनकी बीवियों को हमें ही पालना पड़ेगा, मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। अरे चीची उनके हस्बैंड्स को जो करना है करने दो, हम तो अपने मनी को सेव करके रखेंगे। हाँ जी सही रहेगा, इस बार मम्मी जी से हम कह देंगे कि हमारा बिजनेस सही नहीं चलता और तुम कह देना कि तुम्हें तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही, इसलिए अधिक पैसा इस बार हम घर पे नहीं देंगे। रेनू भाभी कहाँ हो? जी ननन जी आ गई। रेनू भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाए पिए का है का?
चुके हैं। नानन जी, me also very hungry, कुछ भी नहीं है, सच। हाँ, हम भी तुमसे यही पूछने आ रहे थे नानन जी, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? ये एक और भुक्कड़ घर को धर्मशाला बना के रखा है, एक पैसा तो देता नहीं है दुर्गेश, और जब देखो खाने पीने की बात है। एक दिन मेरा सिर ज्यादा गर्म आया ना तो मम्मी जी से कह दूंगी मैं। हाँ जी जी, यू टेल मम्मी जी, अच्छा होगा। हाँ हाँ, मेरा मतलब है कोशिश तो जरूर कर सकती हूँ, लेकिन वो सब बातें बाद में, पहले ना सोना को ठीक से ठीक करना, ये भी तो शुरू बात है, आगे आगे तो बहुत कुछ बाकी। सोना, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, वो अब तक आए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहा? पर कन्हैया तो कभी ऐसा नहीं करता। हे भगवान, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा। आज अगर हमारे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। पता नहीं कहाँ होगा हमारा कन्हैया। नीलम बहू जी, मम्मी जी, देवर जी से कहो और उद्धम से कहो कि पता करे कि कहाँ है कन्हैया। जी तुमने जब से हमारी बेटे की जिंदगी में कदम रखा है ना, हमारे बेटे को सबसे दूर कर दिया, खासकर हमसे। आज जब इतनी बड़ी बात हो गई, हमारे बेटे को हमारे सहारे की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास आने के बजाय वो हमसे लड़ने लगा तुम्हारे ही। तब हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये मानकर कि हम गलत हैं। आखिर हमारे बेटे को हमसे छीनकर क्या चाहती हो तुम, सोना बहू? मम्मी जी, जब घर से गए थे तब भी आप सोना जी पे इल्जाम लगा रही थी, घर पे आए हैं तब भी सोना जी पे इल्जाम लगा रही हैं कि सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। खाना, भूख नहीं है, मैं बाहर खाया है। आपका बेटा कन्हैया इंस्पेक्टर कन्हैया हो गया है। अब हमारी भी इज्जत है, या तो चोर को सलाखों के पीछे डालेंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे। हमने आपसे कहा था कि या तो हम उस चोर को पकड़ेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, तो सर हम अपनी कही हुई बात का सम्मान करेंगे। माफ कर दीजिए, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। सोना जी, आपकी वजह से क्या हुआ है बताइए। अरे आपको तो माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं, मम्मी जी जो है वो मार खाओ खा ऐसे ही आप पे शक करती रहती। मम्मी जी की बात छोड़िए, उनका गुस्सा तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, आपने जो इस्तीफा देने का फैसला किया
आपको नहीं लगता आपको इस बारे में एक और बार सोच लेना चाहिए? सोना सोना जी, देखिए आप जानती हैं हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली कौन सी चीज है? पहला हमारा परिवार और दूसरी हमारी नौकरी। अगर कोई हमसे पूछे ना कि इंस्पेक्टर कन्हैया दोनों में से किसे चुनोगे, तो शायद फैसला भी ना ले पाए। और जहां तक सवाल है हमारे इस्तीफे का, तो हम चाहते तो अपनी बात से मुकर भी जाते, अपनी कही हुई बात के खिलाफ चले जाते, मगर वर्दी का अपमान होता। जिस वर्दी को पहनकर हमने शपथ ली थी उसे धोखा देते थे। नहीं दे सकते वर्दी को धोखा, फिर चाहे नौकरी चली जाए चाहे मर जान। की होगी, काश मुझे भी इस तरह ट्रिप पर जाने मिलता। तो कुछ भी कर ले, तुझे परमिशन नहीं मिलेगी, बच्चे अभी। ओफो, आप तो ढीले बात नहीं कर सकती। देख रही हो मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा सब पता है, कितनी पढ़ाई चल रही है और कितना काम चल रहा है। अभी से फ्रेंड बुक पेज पे अकाउंट बना लिया। हाँ अभी रुको, रेनू चाची से बोलती हूँ। ओ जूली दीदी, फ्रंट पेज पे अकाउंट बनाना कुछ स्कूल बैग में बॉम्ब रखने के जैसा है। और वैसे भी इतनी सी बात पे मम्मी को क्यों बीच में ला रही हो? ये अकाउंट तो मैंने 5-6 दिन पहले ही बनाया था, मेरे सारे दोस्त इसमें हैं, इसलिए मैं भी आ गया। कहो तो आपको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ? कोई जरूरत नहीं है मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की, बहुत स्मार्ट हूँ मुझे ये पता है। मेरी प्रोफाइल में जाके मेरे सारे अपडेट्स पढ़ के घर में बता दोगे, है ना? क्या चल रहा है भैया जी? दादी वो मैं चिकू को यही समझा रही थी कि पढ़ाई करो और ये टाइम पास मत करो। कैसी रही ट्रिप, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे होनी थी, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था भाई। हमें तो आजकल का ये जमाना समझ में ही नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखना जूली, इस बार तुम्हें परमिशन दे दी, जरूरी नहीं कि हर बार परमिशन मिलेगी, समझे? जल्दी से अपना सामान रखो और बेटा ध्यान से पढ़ाई करो, तुम भी पढ़ाई करो। लड्डू हलचल बजरंगी सर। अबे 10 मिनट पहले फोन किया था कि अभी आ रहे हैं, एकदम से आ गए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? सब ठीक ठाक है? क्या ठीक होगा सर, खाक। जब तक आप थाने नहीं आएंगे तब तक कुछ ठीक ठाक नहीं होने वाला। सर अगर आप थाने वापस नहीं आएंगे तो हम लोग भी इस्तीफा दे देंगे। सर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप नहीं जानते
लेकिन सर आपकी पीठ पीछे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर कन्हैया एक मामूली से सब्जी चुराने वाले को नहीं पकड़ पाया, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सर आप ही बताइए, हम सब क्या करें? अबे कौन है बकलोल जो ये कहता है कि हमें नौकरी से निकाला गया है? भी जाके कान के नीचे दो यार, माफ करना, हमें याद ही नहीं रहा कि हम देश के आम नागरिक हैं, इंस्पेक्टर नहीं। बहुत हवा में उड़ रहे थे कुछ लोग, अब अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। इमोशनल कर दिया मैं, हैं? रिजाइन? अबे कह दोगे रिजाइन रिजाइन? देखो क्या है, रिजाइन करोगे घर पे बैठे रहोगे तो क्या होगा? हैं बजरंगी? घर पे बैठ के हुक्म चलाओगे, कहोगे कि चलो जी अब ये बना दो, अब वो बना दो, अब एक काम करो कढ़ाई पे अब ये चढ़ा दो, अबे नौकरी करो, मस्त रहो, ठाट की जिंदगी जियो, क्या? आप बात कर दी सर, अब आप कहते हैं तो हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ। वैसे सर आपकी बात कभी हम लोग ने टाली है नहीं ना? वैसे सर खाने और थाने से याद आया कि जब से आपने इस्तीफा दिया है तब से थाने में किसी ने कचौरियां नहीं मंगवाई। देखो अगर ऐसी बात है तो अभी चलते हैं नेत्राम स्वीट के, गर्मा गर्म कचौरियां खिलाते, तुम भी खाओ और हम भी खाएं। पर सर, पर परवर कुछ नहीं, हमने जो बोल दिया सो पत्थर की लकीर। अभी चलते हैं नेत्राम स्वीट के, कढ़ाई से निकलती गर्मा गर्म कचौरियां, कचौरियां खिलाएंगे। यस सर। हाँ यार, तुम जब मर्जी जाओ घर आ जाओ। सारा दर्द अपनी हंसी के पीछे समेटे हुए हैं, पर हम ये दर्द ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे। इनकी नौकरी बाइज्जत इन्हें वापस दिलवा के रहेंगे। हम चोर का पता लगाकर ही रहेंगे ताकि ये अपना रेजिग्नेशन कैंसिल कर दें। चाहे कुछ भी हो, इस चोर को तो पकड़ना ही होगा।